नाउ वी विल सी अबाउट टेम्परेंस. तो टेम्परेंस को अगर वन वर्ड में डिफाइन करना है तो सेल्फ रिस्ट्रेन, अपने आप पे जो कंट्रोल रखता है उसको हम लोग टेम्परेंस कहते हैं. एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्च्यू फॉर, मतलब आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए टेम्परेंस होना बहुत जरूरी है. नहीं तो मतलब इट कैन लीड आपका अंडर डेवलपमेंट, मतलब आप फुल पोटेंशियल अटेन नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो फॉर्म ऑफ टेम्परेंस क्या क्या है, किस किस फॉर्म में टेम्परेंस है? तो इन रिलेशनशिप वी कैन सी दैट टेम्परेंस इन द फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस एंड फॉरगिवनेस. ठीक है, रिस्ट्रेंट फ्रॉम एरोगेंस, जो ह्यूमिलिटी है, मॉडेस्टी है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ टेम्परेंस. फिर रिस्ट्रेंट फ्रॉम एक्सेस लग्जरी, मतलब लग्जूरियस लाइफ, कंज्यूमरिज्म जो अभी मॉडर्न लाइफ में इंट्रेंस्ड है, उससे रिस्ट्रेंट करना, दैट इज टेम्परेंस. और मतलब कामनेस एंड सेल्फ कंट्रोल इन एनी केस, मतलब आपके सक्सेस के दौरान, आपके फेलियर के दौरान, आपके हार्ड टाइम के दौरान, इफ यू हैव सेल्फ कंट्रोल एंड कामनेस, दैट इज अ फॉर्म ऑफ टेम्परेंस. सो व्हाई टेम्परेंस इज सो इम्पॉर्टेंट टूडे? सो बेसिकली मॉडर्न लाइफ ऑफ कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म में जो कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, कॉम्युनिटिफिकेशन जो बढ़ गया है, तो उसमें एक एंडलेस डिजायर आ गया. नोबडी इज सेटिस्फाइड, व्हाट एवर यू गेट, मतलब आप अपने ऊपर वाले को देखते हो और रिलेटिव डिप्रिवेशन वाला कंसेप्ट आता है कि आप कितना भी अचीव कर लो, देर आर पीपल हुआर हैविंग मोर देन यू. तो एक एंडलेस डिजायर आ जाता है, दैट लीड्स टू एनोमी इन योर लाइफ और इन सोसाइटी. ओवरऑल आप देखेंगे तो सोसाइटी में एनोमी लीड करता है. एंड हियर इज समथिंग, हियर इज व्हाट टेम्परेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. साथ ही साथ अगर हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो वहां भी टेम्परेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस, टेम्पर मतलब ड्यू टू लैक ऑफ टेम्परेंस यू इनवाइट करप्ट प्रैक्टिसेस. यू सी लग्जरी लाइफ स्टाइल, यू सी मोर देन वॉट यू आर हैविंग, उसको अटेन करने का जो हंगर होता है, सेल्फ रिस्ट्रेंट के लैक में आप उसको नहीं कंट्रोल कर पाते, यू लीड टू करप्ट प्रैक्टिसेस. सेकेंड, साथ में जो टेम्परेंस है वो प्रोफेशनल लाइफ में आपको वर्क प्रेशर और जॉब, मतलब इन प्रोफेशनल लाइफ सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है, फेलियर के सिचुएशन में, सक्सेस के सिचुएशन में एंजाइटी कंट्रोल करने के लिए टेम्परेंस बहुत जरूरी हो गया. साथ में टेम्परेंस इज इम्पॉर्टेंट कि आप कंसंट्रेट कर पाए हार्ड वर्क के लिए, ताकि जो एक टाइम वेस्टेज वाला जो लग्जरियस लाइफ या में जो टाइम वेस्ट करते हो या आप अपना कैपिटल वेस्ट करते हो, उसको अवॉइड करने के लिए टेम्परेंस आपका एक पर्सनल वर्च्यू होना चाहिए. अब हम देखते हैं कि टेम्परेंस आया कहाँ से, मतलब कैसे टेम्परेंस का एक इवोल्यूशन हुआ इन आवर सोसाइटी. सो इफ वी गो विथ फॉर इवोल्यूशन ऑफ टेम्परेंस, वी कैन सी दैट इन ग्रीक फिलोसोफर इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्च्यू. इन प्लाटोस इट वाज सेड दैट टेम्परेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ सोसाइटी इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर द प्रोड्यूसर ग्रुप. साथ में अगर अरिस्टोटल में हम देखते हैं तो टेम्परेंस वाज द गोल्डन मीन बिटवीन प्लेजर एंड पेन को अटेन करने के लिए टेम्परेंस वाज कंसीडर्ड एज गोल्डन मीन. साथ में इन बुद्धिज्म इट वाज वन ऑफ द एट फोल्ड पाथ टेम्परेंस सेल्फ रिस्ट्रेंट. इन हिंदुइज्म आल्सो इट इज वन ऑफ द सिक्स कार्डिनल वैल्यूज ऑफ हिंदुइज्म. इफ वी गो विथ कांत फिलोसफी, तो कांत फिलोसफी में टेम्परेंस वहां पे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि विदाउट टेम्परेंस या विदाउट सेल्फ कंट्रोल आप फ्री नहीं हो पाओगे, आप ऑटोनॉमी को अटेन नहीं कर पाओगे और आपका डिसीजन जो है इंक्लिनेशन किसी चीज से इंक्लाइन रहेगा, आर्बिट्रेरीनेस आ जाएगा आपके डिसीजन में. एंड इफ वी लुक ऑन इंडियन फिलोसफर, वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी जी के लिए पूरा लाइफ ही रिस्ट्रेंट का था कि
जितना जरूरत है उससे ज्यादा हमें अटेंड करना ही नहीं है, ना अटेंड करना है ना उसका ख्वाब रखना है। उनका ग्रामोदय का कंसेप्ट, ट्रस्ट ट्रिप का कंसेप्ट, और जो उनका था कि वी हैव फॉर एवरीवन नीड्स बट नॉट फॉर एवरीवन ग्रीड, ये पूरा का पूरा फिलॉसफी बेस्ड था टेम्परेंस पे। सो वी हैव मतलब वी कवर्ड की इवोल्यूशन कैसे टेम्परेंस का होता है, टेम्परेंस होता क्या है, और प्रोफेशनल स्पेशली इन प्रोफेशनल लाइफ टेम्परेंस का क्या इंपॉर्टेंस है।